नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्मिता पटेल। आज नारी तू नारायणी के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ सोशली एक्टिव भारती जगदीश चंद्र त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। नमस्ते भारती जी। नमस्ते अश्मिता जी। और आज हमारे सभी महिला दर्शकों को वुमेन्स डे की ओर से हार्दिक शुभकामना। भारती जी, आप बताइए अपने बारे में। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप दिव्यांग वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मुझे यहाँ मंच पर उपस्थित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब 16 वर्ष की उम्र थी मेरी, तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था और काफ़ी सारी जवाबदारियाँ मुझ पर आ गई थी। मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी जवाबदारी भी मुझ पर है। 2013 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वो एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, तो 16 वर्ष की उम्र से ही सारी जवाबदारियाँ मुझ पर आई थी। 16 से लेकर आज 30 वर्ष की मैं हो गई हूँ। चाहे समाज क्षेत्र में हो या परिवार में हो, करियर में हो, हर तरह से संघर्ष करने के बाद आज मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। एंड मैं एक चीज़ मानती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है महिलाओं के लिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैं आज सोशल एक्टिविटी बन चुकी हूँ। भारती जी, आपने कौन से संघर्ष किए हैं अपने लाइफ में, वो आप हमारे दर्शक मित्र को बताइए। संघर्ष में सबसे पहला संघर्ष शुरू होता है हमारे खुद के परिवार से। समाज, सोसाइटी, करियर बाद में आता है। परिवार में एक जो मानसिकता होती है लड़कियों को लेकर के, कि एक उनकी उम्र होती है और उन्हें बस सिर्फ शादी करना है और घर बसाना है, इसके आगे परिवार ही हमें बढ़ने नहीं देता है। लेकिन मैंने उस संघर्ष से लड़ करके आज अपने परिवार वालों का भी दिल जीता है, और आज परिवार वाले भी गर्व महसूस करते हैं कि मैं एक लड़की होकर के भी अपनी जवाबदारियों को निभा सकी हूँ। मेरे दोनों भाई जो मुझसे छोटे हैं, आज वो भी अच्छे एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। और फिर आता है करियर का सवाल। करियर की शुरुआत में ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ उनको बहुत सारे लोग डीमोटिवेट पहले करते हैं आगे बढ़ने के लिए। करियर में वो लोग उन्हें ऐसी ऐसी दिशा में भेज देते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं हमेशा, कि आप गलत वे पे जा कर के चले। लेकिन उस समय हमारी नारी की जो शक्ति होती है, वही सही समय है हमारी शक्ति को बताना, कि हम हमारे खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ हमारी सोच पे, सही दिशा पे चल करके हमें आगे बढ़ना होता है। उन संघर्षों को पार करके मैं आज करियर में भी आगे बढ़ गई हूँ। आज मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में एज अ मैनेजर पोस्ट पे जॉब कर रही हूँ। मेरे साथ काफ़ी स्टाफ हैं जो जिनको मैं प्रेरणा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी लीडर बने, स्पेशली वुमेन्स को, क्योंकि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि नारी के लिए एक पीछे पुरुष होना जरूरी है, लेकिन नारी के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने बलबूते पे बहुत कुछ जीवन में पा सकती हैं, अचीव कर सकती हैं। भारती जी, आप समाज के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, तो आपने क्या कार्य किया है समाज के लिए, सोसाइटी में, वो आप हमारे दर्शक मित्रों को आप बताइए। मैं पास्ट में, जैसे मैं बहुत छोटी उम्र में ही संघर्ष चालू हो गया था, तो मैं जब भी किसी को तकलीफ में देखती थी तो वो दर्द मुझे महसूस होता था जो मैंने अपने जीवन में किया है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं उनके दर्द को बांट सकूँ और कम कर सकूँ। इस सोच के साथ में मेरी यूथ फॉर गुजरात नाम से एक संस्था है जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई, और उन लोगों के सपोर्ट से मैं इन कार्यों को अधिकतर लोगों तक पहुंचा सके, जिसमें बच्चों को एजुकेशन देना, जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनको एजुकेशन देना। साथ में मैंने अपने घर से भी काफ़ी ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को फ्री में ट्यूशंस दिए हैं मैंने। फिर सोसाइटी के लिए, जैसे कि SMC से रिलेटेड जो काम होते हैं, जिनमें एजुकेशन का अभाव है, जिन्हें नहीं पता है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, उस सॉल्यूशन के लिए भी मैंने कार्य किए। जैसे रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट्स के इशू हो, पानी का हो, तो वो ऑनलाइन कंप्लेन करके उसके सॉल्यूशन लाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को, सोसाइटी के लोगों को उसका लाभ मिला है। और साथ ही सरकारी योजनाएं, काफ़ी सरकार देश के लिए बहुत सारी योजना लाती है और बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन एजुकेशन के अभाव और लोगों के अवेयरनेस ना होने के कारण वो योजना उन तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे विधवा सहाय योजना है, शिक्षण से रिलेटेड योजना है, NPS योजनाएं हैं,
ऐसी काफ़ी RTE जो सबसे महत्वपूर्ण है देश को आगे बढ़ाने में, उस योजना के लिए जो लोग कैपेबल नहीं हैं उनकी मैं हेल्प करती आई हूँ और आगे कर भी रही हूँ। भारती जी, रिसेंटली आप क्या कार्य कर रहे हैं? रिसेंटली मैंने जैसे संघर्ष किया, मेरे पास खुद का घर नहीं था, मैं भाड़े पे रह रही थी, तो भाड़े से मुझे घर नहीं देता था, क्योंकि जो हमारा देश की जो मानसिकता है कि एक अकेली लड़की है, अगर उनके पेरेंट्स नहीं है, सिंगल को कोई घर नहीं देता है, तो काफ़ी संघर्ष करके मैंने जीवन निकाला। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सरकार का कि उन्होंने भी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई, मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका लाभ मुझे भी मिला है और मैं ये योजना का लाभ लोगों तक पहुँचाना भी चाहती हूँ। जैसे आज मैं बेघर थी, मेरे पास खुद का घर नहीं था, आज मेरे पास मेरा खुद का घर है मुख्यमंत्री आवास योजना में, और इसके लिए जो भी लोगों को जो भी मदद चाहिए होती है मैं उन तक वो मदद पहुँचाती हूँ। रिसेंटली मैं आपसे एक चर्चा करना चाहती हूँ। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना में जब मेरा घर लगा तो बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसके लिए कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, बिल्डिंग रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, कुछ अमाउंट सरकार ने सूरत महानगर पालिका ने लिए थे, उसका कलेक्ट करके उसकी FD बनानी, मतलब ये पूरा एक लीगल प्रोसेस है जो लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। जब इसके लिए मैंने मैं कमिश्नर सर से मिली, काफ़ी सूरत महानगर पालिका में मैं दौड़ी, UCD विभाग में, आज काफ़ी लोग वहाँ मुझे भी जानने लगे हैं, और उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये आया है कि मेरे साथ साथ मुझे देख के काफ़ी लोग इसमें जुड़े, और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, वो अमाउंट हमारे बिल्डिंग में मिल गई है, उसका एक रजिस्ट्रेशन हो गया है प्रॉपर वे से, लीगल तरीके से उसकी FD हो गई है, जो भविष्य में लोगों को बहुत ही मदद रूप है। जी भारती जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप फ्यूचर में समाज के लिए और कौन सी सेवा देना चाहते हैं? मैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति, ये हकीकत है कि हर इंसान अपने जीवन के संघर्ष में से ही बहुत कुछ सीखता है। मैंने मेरे जीवन के जो भी संघर्ष देखे हैं, मैं खुद एक महिला हूँ, तो महिलाओं को जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है जीवन में, चाहे वो समाज से हो, सोसाइटी से हो, अपने परिवार से हो, तो उसमें जो जो तकलीफें और भी अन्य औरतों को आती होंगी, कभी उनके परिवार से, तो उनको मैं जो भी मदद दे सकूँ मैं देना चाहती हूँ। हाल ही में सबसे बड़ा भारत देश का एक जो प्रॉब्लम है वो है स्वास्थ्य, हेल्थ रिलेटेड जो भी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अभी रिसेंट में मैम, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक सरकार की योजना है गुजरात राज्य के अंदर, वाहन सार्वर आकस्मिक योजना, ये 2018 के मई महीने में लागू हुई थी, और इसमें कायदे में ऐसा है कि हर हॉस्पिटल को ये कायदे का अमल करना है, पर वो लोग इस कायदे का अमल नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन था या लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की। और वो जो एक सरकार ने योजना निकाली गोल्डन पीरियड के लिए, कि लोग जब ऐसी परिस्थिति में होते, एक्सीडेंट एक ऐसा सीन होता है जहां लोगों के लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे में जो सरकार की मदद लोगों को मिल सकती या लेनी चाहिए या अस्पताल को लोगों तक पहुँचानी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं उसकी असुविधा हो रही है, लोगों तक नहीं पहुँच रही है। मैं हाल में उस पर काम कर रही हूँ, सरकार से मैंने इसके लिए मदद भी मांगी है, कलेक्टर सर से भी मैंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है एप्लीकेशन की, प्लीज़ आप इस पर कुछ कार्यवाही करें, और आगे भी मैं इसका एक सॉल्यूशन बड़े पैमाने पे लाना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार काम अच्छे कर रही है पर वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो एक मानव धर्म के नाते, हमारे एक मानवता के नाते, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन कोई भी योजना के बारे में या कोई भी हमें अगर नॉलेज है तो वो हम लोगों तक बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मेरी यही इच्छा है कि जो भी चीज़ें, जिनको भी ये नॉलेज है अगर, तो वो प्लीज़ लोगों तक पहुंचाए, ताकि उससे लाखों लोगों को फ़ायदा मिले। जी भारती जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश हमें दिया है इस माध्यम से। और भारती जी, अगर मैंने ये नोटिस किया है कि आप खरे अर्थ में नारी तू नारायणी के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित रह के, थैंक यू सो मच, और आप खरे अर्थ में शक्ति का स्रोत रहे, आप बहुत ही प्रेरणादायी है, और आप क्या संदेशा देना चाहते हो हमारे महिला दर्शकों को, महिलाओं को स्पेशली? मैं महिलाओं को, आज वुमेन्स डे है, मैं भी सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ सबसे पहले, और एक महिला होने के नाते, महिला
आज मेरे पेरेंट्स नहीं हैं वो एक अलग मैटर है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ परिवार होकर के भी कहीं ना कहीं उन्हें इस समाज के रूढ़ी विचार को सामना करना पड़ता है, और उस विचार को लड़ने के लिए हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है, नारी शक्ति जो कहा जाता है, उस शक्ति को हमें खुद पहचानना है। उस शक्ति को पहचान करके हमें अपने जीवन को बहुत अच्छे तरह से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। और महिला अकेली होती है, ये जो सोच है लोगों की वो बदलना है कि अकेली महिला का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती या वो कमज़ोर है। बहुत सारे लोग होते हैं जीवन में आपको डीमोटिवेट करेंगे, एक महिला होने का पुरुष प्रधान देश को बताने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ईश्वर ने बहुत अच्छी शक्ति दी है नारी के रूप में, उस शक्ति को पहचानिए और आप जीवन के हर एक संघर्ष से लड़ के आगे बढ़ सकती है। बिना संघर्ष के कभी किसी को सक्सेस नहीं मिली है, तो आपको मैं यही प्रेरणा देना चाहती हूँ। आज मैं भी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ी हूँ और चाहती हूँ कि आप भी इस प्रेरणा से आगे बढ़ें। जी भारती जी, बहुत ही अच्छा कहा आपने। आज आप डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मुलाकात पे आए हैं जी, तो आप हमारे दिव्यांग बच्चों से मिले हैं, तो आपको कैसा लगा हमारे दिव्यांग बच्चों से मिलके, और हमारे संस्था के प्रमुख डॉक्टर कनुभाई टेलर से मिलके आपको कैसा लगा, और आप क्या कहना चाहोगे हमारे संस्था के बारे में? मैम, मैं रियली बहुत बहुत खुश हूँ। आज वुमेन्स डे मतलब होता है, मुझे सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि वुमेन्स डे का क्या प्लान है। तो सच्ची बताओ तो आज का दिन मेरा बहुत सफल रहा है। मैंने डॉक्टर कनु सर का नाम बहुत सुना था, लेकिन मेरा उनसे मिलने का कभी भी मौका नहीं मिला। आज वो मौका मुझे मिला एंड मैं उनसे मिलकर और यहाँ के बच्चों से मिल करके मैं और ज़्यादा प्रेरणा मैं लेके जाऊँगी यहाँ से, कि आज जो दिव्यांग है वो अगर इतने स्ट्रांग हो सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो धन्यवाद ईश्वर को कि हमें उन्होंने हर तरह से स्वस्थ दिया है और हमें कुछ ना कुछ समाज में करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। अगर आज यहाँ के बच्चे इतने प्रेरणादायी हैं तो हमें तो बिल्कुल इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और मैं बहुत प्रेरणा लेके जा रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ आपके ट्रस्ट का कि आपने मुझे मौका दिया आने का। और मेरा आज का वुमेन्स डे मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रही हूँ। भारती त्रिवेदी जी, आप खरे अर्थ में प्रेरणा के स्रोत हैं, और हमारे बच्चों को भी आपने बहुत सारा वक्त दिया। थैंक यू सो मच भारती जी। थैंक यू अस्मिता जी। और इसी के साथ हम विदाई लेते हैं और फिर से मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक नमस्ते।